पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खातेगांव में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राजवीर कुड़िया से नेतृत्व में इवन कांग्रेस परिवार द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने शहीदों को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ ली। रविवार को युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस परिवार द्वारा नगर के चमन चौक से एक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए नगर के जवाहर चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान युवक कांग्रेस खातेगांव विधानसभा अध्यक्ष राजवीर सिंह कुंडिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य सुनील यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विलोदा ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह कैंडल मार्च निकाला गया है और भगवान से उनकी आत्माओं को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है। इस दौरान एक मिनट को मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विनोद चावड़ा, रफीक शेख, आकाश दुबे सहित सभी कांग्रेस जन मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आज 2019 14 फरवरी 2019 को हुए जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान आतंकी हमले में शहीद हुए, उनको लेकर चमन चौक से कैंडल मार्च करते हुए जवाहर चौक चौपाटी पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हमारे लिए बड़े दुख की बात ये भी है, लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं, केंद्र सरकार ने अभी तक आतंकी हमले में अभी तक पर्दाफाश नहीं कर पाई है। हमारे लिए ये भी दुख की बात है। मैं वीर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज युवक कांग्रेस द्वारा 2 वर्ष पूर्व जो हमारे वीर जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमने चमन चौक चौराहे से लेकर चौपाटी तक कैंडल मार्च निकाला और यहाँ पे 2 मिनट का उनको मौन रखकर श्रद्धांजलि दिए। जो हमारे देश के जवानों के ऊपर कायराना हमला हुआ था जिसमें वो शहीद हुए थे, हम हमारे देश के वीर जवानों को सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।